नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और धर्मज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर आप सबके लिए हम लेकर आए हैं अंक शास्त्र, यानी कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर क्या कहता है मूलांक सात से जुड़े लोगों का भविष्य। इस महीने यानी कि नवंबर का ये महीना, जिसमें दिवाली भी है और दिवाली देके हम और आप खूब धूमधाम से मनाते हैं, इस बार की दिवाली आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है? अपने किन गुड क्वालिटीज़ के चलते आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं और किन बैड क्वालिटीज़ के चलते आपको थोड़ी बहुत अपनी लाइफ में परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं? लक आप लोगों का कितना साथ देगा? आपका नेचर कैसा होता है? ये सब हम जानेंगे मयंक जी से अंक शास्त्र के आधार पर। लेकिन आइए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि मूलांक सात बनता कैसे है, ये कैसे जाने, समझते हैं मयंक जी से। देखिए दर्शकों, अगर आप ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं और न्यूमरोलॉजी में आपका काफी इंटरेस्ट है या पहली बार देख रहे हैं, तो ये शो आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। हो सकता है कि आज हम जिस मूलांक की चर्चा कर रहे हैं वो आप ही का हो। देखिए मूलांक सात कैसे जाने कि मेरा मूलांक है। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की, तो आपका मूलांक सात बनेगा। अब 16 तारीख का मूलांक सात कैसे बनेगा आप समझेंगे, तो आप टोटल कर दीजिए, यानी 1+6 जो है इक्वल टू 7 आ जाएगा। 25 को दोनों को जोड़ दें तो भी 7 आएगा। तो ये आपका मूलांक है, और मूलांक सात का स्वामी जो है केतु बनते हैं। और केतु जो है एक रहस्यमय ग्रह होते हैं, धार्मिक ग्रह होते हैं। कहते हैं कि केतु मंगल का प्रभाव लेके काम करता है कविता जी, और बहुत जल्दी जल्दी अपना कार्य पूर्ण करता है। तो केतु से प्रभावित व्यक्ति जो हैं अपने काम को बहुत जल्दी से निपटाते हैं, यानी कि डिले इनको करना पसंद ही नहीं है, लापरवाही इनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मंगल की तरह केतु वाले होते हैं। और हमेशा शांत शौकत में रहना, अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीना, एंजॉय करना इनको पसंद है। ये लोग बहुत ही दिलदार होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, साफ़ सुथरे स्वभाव के होते हैं। इनको साफ़ सफाई बहुत पसंद है, खाना पीना घूमना फिरना के बहुत शौकीन ये होते हैं जो केतु से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे व्यक्ति, ये लोग फैशन में रहना पसंद करते हैं, और इनके चाहने वाले बहुत होते हैं कविता जी। दुनिया जो है इनकी मित्र बन जाती है, कुछ ऐसी काबिलियत इनके अंदर होती है, लीडरशिप क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, इसलिए हमने देखा है कि लीड करते हैं सोसाइटी में, बहुत आगे जाके जीवन में तरक्की करते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, और सही फैसले सही मौके पे लेना ही जानते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। इन सब के उलट इनको सलाह दी जाती है कि इनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, तो अगर गुस्से में ही अपना काम खराब कर लेते हैं, इसलिए क्रोध की अधिकता से बचें तो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कभी कभी इनके अंदर थोड़ा ईगो या घमंड इत्यादि भी आ जाता है, उस चीज़ से भी इनको बच के चलना चाहिए, तो फिर इनकी सफलता में कोई रुकावट नहीं आती है। चलिए, ये हमने मयंक शर्मा जी से समझा कि मूलांक सात से जुड़े लोगों का नेचर, जी हाँ, जो कहते हैं ना कि स्वभाव कैसा होता है आप लोगों का और आपके स्वभाव में क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन अब बारी आती है अपनी इन्हीं गुड क्वालिटीज़ के चलते आपके लिए करियर का कौन सा फील्ड सबसे बेस्ट है, जहां आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और उस फील्ड में अच्छा करते हुए आप पैसा भी खूब कमा सकते हैं, यानी कि दौलत और शोहरत भी पा सकते हैं। मैं जी समझाइए। देखिए मूलांक सात वाले जो है ऑलराउंडर में इनको कहूँगा, क्योंकि ये हर क्षेत्र में हर फन में माहिर है, हर फन मौला होते हैं। अगर ये स्पोर्ट्स में जाएं, खेल में जाएं, तो आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में जाएं, जैसे कि आर्मी में, एयरफोर्स में, बीएसएफ में, वहाँ तरक्की करते हैं। अगर ये मीडिया में जाएं तो भी बहुत अच्छा करते हैं, खासकर प्रोडक्शन लाइन में बहुत जल्दी सफलता इनको मिल जाती है। और मूलांक सात वाले जो व्यक्ति हैं समाज सेवा में, राजनीति में भी शिखर पर जाते हैं, उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर भी देखे गए हैं, डॉक्टर में डेंटिस्ट, सर्जन ये बहुत अच्छे होते हैं, और इंजीनियर भी बहुत अच्छे होते हैं, कहने कि आईटी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं। ज्योतिष, योग, तंत्र मंत्र, हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सब में इनका बहुत रुझान होता है, और खुद की भी इच्छा होती है। अगर ज्योतिषी ना भी हो तो भी कहना चाहिए पूर्वानुमान लगाना, कल क्या हो जाएगा वो इनको अंदाज़ा रहता है। तो ये सब इस तरह की काबिलियत होती है, और ये सब प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि नवंबर का ये महीना जिसमें दिवाली है, और दिवाली तो देखिए जब आती है ना तो अपने संग ढेरों खुशियाँ लेकर आती है, नई नई सौगातें हम लोगों के लिए लेकर आती है, और इस बार की दिवाली आप लोगों के लिए यानी कि मूलांक सात से जुड़े लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, किस तरह से आपका आपकी ज़िंदगी जो है एकदम से बदलने वाली है, मयंक जी से जानते हैं।
देखिए ये दिवाली मूलांक साथ वालों के लिए काफी अच्छी रहेगी। धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। अगर आप अविवाहित हैं अब तक और आपकी आयु जो है 26 वर्ष क्रॉस कर चुकी है तो निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा। आने वाले 6 महीने के अंदर आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। आप अपनी मनपसंद की शादी करना चाहते हैं वो भी संभावनाएं बन रही हैं। इस दिवाली के बाद आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी, आपका काम कारोबार भी अच्छा चलेगा, नौकरी व्यवसाय में भी तरक्की होगी, धन धान्य की भी वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो किसी तरह की कोई समस्या मूलांक साथ वालों को रहती भी नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें भाग्य प्रतिशत की तो भाग्य भी आपका काफ़ी अच्छा है, शुरू में 85% साथ देगा अगर हम बात करें, और 15 नवंबर के बाद ये 90% तक साथ आ जाएगा। तो अगर आप नया काम करना चाहते हैं तो 15 नवंबर के बाद करें तो और भी अच्छी आपको सफलता मिलेगी। आप इस समय अगर नए काम की शुरुआत करनी है तो क्या कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना चाहिए कि तरल पदार्थ का काम, केमिकल से जुड़े काम बहुत अच्छे करने चाहिए अगर नए काम की शुरुआत करनी है, या लोहे से संबंधित व्यवसाय, या आप किताबों का काम करें या दवाइयों का काम करें तो बहुत अच्छा चलेगा। ये सब प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत जल्दी ही आपको तरक्की भी मिल जाएगी। चलिए अब इसके साथ आइए जान लेते हैं मयंक जी से क्या करें क्या नहीं, यानी कि मयंक जी की एक छोटी सी सलाह। देखिए इस महीने की मेरी सलाह ये है कि विवादों से दूर रहना आपके लिए बहुत अच्छा है। वाणी पर संयम बरतेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी मेरी सलाह इस महीने यही है, क्योंकि यही एक पॉइंट दिख रहा है जो आपको कहना चाहिए आपके घर परिवार में या आपके दफ्तर में परेशानी पैदा कर सकता है। वाद विवाद से दूर रहें, कोई भी परेशानी हो तो मिलजुल कर बैठ के सुलझा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मयंक जी जाते जाते अगर आप इन लोगों को कोई उपाय बताना चाहें। देखिए अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो गणेश जी की वंदना करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा, और काले कुत्ते को रोटी खिलाने से, चींटियों को, पक्षियों को सतनजा देने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए तो आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना किस प्रकार से नवंबर का यह महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, मूलांक साथ से जुड़े लोगों को इस महीने क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ ये लोग इस महीने हासिल करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ ही पूछना है जानना है उसके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर के जरिए मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए, आप हमें वो टॉपिक बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए, हम उस पर आप ज़रूर स्पेशल वीडियोज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।